हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइफ में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने पूरा जो G20 को लेके नोएडा में ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है उसको कवर किया है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं नोएडा के बड़े बड़े अक्षरों पर जो G20 का थीम है उसको अभी रिसेंटली लगाया गया है, और पीछे में फ्लैग है वो पहले से लगा हुआ था। तो मैं अभी दिल्ली नोएडा के उस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ से लाखों लोग दिल्ली से रोज़ नोएडा में एंट्री लेते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ, इस जगह को फिर से रीडेवलप किया गया है, गार्डन को और ब्यूटीफुल बनाया गया है। एक ये त्रिशूल का डिज़ाइन बनाया गया है और पेड़ों को कलर किया गया है, और क्लीननेस साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। और जो ये G20 का लोगो है वो आपको अभी हर जगह सड़क पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, कितना ही अच्छा ह्यूमन डिज़ाइन बनाया गया है, जो देखने में कितना ही प्यारा लग रहा है। फ्लाईओवर के नीचे इतनी सफाई आज तक नहीं देखी भाई। और ये हम सब की अब जिम्मेदारी होनी चाहिए कि साफ़ सफाई को हम G20 के बाद भी बनाए रखेंगे। और अभी यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम लाइव चल रहा है रोड के दोनों साइड। अभी 2 से 3 दिन का टाइम बाकी है G20 स्टार्ट होने में। आज जो दिन है वो बुधवार है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और G20 स्टार्ट फ्राइडे से है। ये सर्कल का डिज़ाइन अभी न्यू ही बना है, और ये सड़क के किनारे मिट्टी पड़ी हुई है। ब्यूटिफिकेशन का काम अभी भी जारी है। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये बनारस घाट को दर्शाया गया है। ये पार्क अभी न्यू ही बना है, इसमें जो ट्री देख रहे हैं आप टेढ़े मेढ़े अभी आर्टिफिशियल तरीके से लगाए गए हैं और कलर किया गया है इनको। और जब आप ग्रेटर नोएडा की साइड आएंगे तो ये डिज़ाइन आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं नोएडा का नाइट ब्यूटिफिकेशन जो G20 को देखते हुए किया गया है। ब्यूटिफिकेशन तो पहले से भी था नोएडा में, लेकिन उसको और बेहतर बनाया गया है। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, मैं YouTube पे पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूं और आप सबके लिए वीकली एक वीडियो लेके आता हूं, क्योंकि साथ में मुझे ऑफिस भी देखना होता है। तो ऑफिस से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक वीडियो शूट कर लेता हूं और आप सबके लिए वो वीडियो लेके आता हूं। आप लोगों ने पिछले 2 महीने से मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं नोएडा सिटी ऑफ अपेयर, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। पिंक कलर में बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए इसके थोड़े पास चल के देखते हैं उस साइड में क्या लिखा हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद। फ्लाईओवर के जो बॉटम है दोस्तों उसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग की गई है, और पेड़ों पे लाइटिंग कर दी गई है ग्रीन और तिरंगे कलर की। और ये जो पेड़ों पर लाइटिंग की गई है दोस्तों ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पूरा शहर जगमगा रहा है नोएडा अभी G20 के लिए।
और ये बनारस घाट का जो डिज़ाइन है वो आपने दिन में भी देखा था और रात में देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में G20 के थीम के साथ। और ये छोटे छोटे डिज़ाइन जो रोड साइड में बनाए गए हैं G20 को देखते हुए, इन्होंने नोएडा की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये रही सुपरनोवा स्पायरल टावर, इस पे भी तिरंगे की लाइटिंग की गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।